रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना को लेकर जहां एक तरफ बिहार इस महामारी को झेल रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे काफी एक्टिव हो गए हैं, अपनी एक्टिविटी को बढ़ा चुके हैं और लगातार वो लोगों को हड़का रहे हैं। ऐसे लोगों को जस्ट बीच अफवाह उड़ा रहे हैं। जी हाँ, जो सोशल मीडिया पर किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना चेक किए हो, बिना क्रॉस चेक किए हुए, या फिर कोई ऐसा डाटा फिगर बिना जाँच पड़ताल करे हुए लोगों को शेयर कर रहे हैं, लोगों को साझा कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को उन्होंने हड़काया है और अपील भी की है कि अगर कोई अफवाहों का बाजार खड़ा करेगा ऐसे महामारी के बीच, ऐसे संकट के बीच, तो उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जेल की भी सजा हो सकती है। इसके पहले भी कई ऐसे लोग हैं जो अफवाह के चक्कर में जेल जा चुके हैं और आगे भी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और क्या कुछ कहा है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने, सुनिए। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। कोरोना के बारे में बहुत अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग इसका इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, दो समुदायों में नफरत फैले, द्वेष फैले, इस तरह के पोस्ट भी डाल रहे हैं और झूठी खबरें भी चला रहे हैं, बिना सत्यापन किए हुए खबरें चला रहे हैं। ये संकट का समय है, ये अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए सारे लोगों को जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए, कि कोई सूचना जो प्रशासन द्वारा सत्यापित नहीं, उस तरह की सूचना नहीं फैलाए और जो भड़काऊ पोस्ट डालते हैं जिससे दो समुदायों के बीच में नफरत फैले, ऐसे लोगों के खिलाफ हम मुकदमा करके उनको जेल भेज रहे हैं। कई लोगों को भेजा है, आगे भी भेजेंगे, और ऐसे पोस्ट को जो शेयर करेंगे उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये गलत है, बिहार सांप्रदायिक सद्भाव की भूमि है, प्रेम भाईचारा का संदेश पूरी दुनिया में यहां से गया है और इसको हमें बनाए रखना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी हम, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी जात के, किसी जमात के, जो बाहर से आए हैं, कहीं से, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे मुंबई से आए, चाहे कर्नाटक से आए, चाहे केरला से आए, चाहे राज्य के अंदर किसी प्रदेश से बिहार के अंदर प्रवेश किए हों या विदेश से आए हों, उन्हें छुपने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा अपराध किया उन्होंने, उन्हें स्वतः आगे आकर के प्रशासन को सूचना देकर के अपना स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए, वो भी सुरक्षित, उनका परिवार सुरक्षित, उनके मित्र पर सुरक्षित, उनके पड़ोसी सुरक्षित, उनका मोहल्ला सुरक्षित, उनका गांव सुरक्षित और पूरा बिहार सुरक्षित। इसमें डरने की जरूरत ही नहीं। मैं अपील करूंगा कि सब लोग जो भी बिहार के बाहर से आए हैं, चाहे देश के अंदर से, चाहे देश के बाहर से, उनको अपनी स्क्रीनिंग निश्चित रूप से करानी चाहिए और अपने अपने रहने की सूचना भी देनी चाहिए और क्वारंटाइन में रहना चाहिए, बिल्कुल जो जहां है वहीं। और क्वारंटाइन का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, जहां है घर में बिल्कुल किसी संपर्क मत रहिए, अपने घर में भी अजनबी की तरह रहिए, दूर से खाना लीजिए, खाइए, किसी से मिलिए नहीं, नजदीक सकिए नहीं, यही क्वारंटाइन। और ये कौन सा लॉकडाउन अनादिकाल तक चलेगा, ये कुछ ही दिनों की बात है। अगर हम संयम से लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे तो हम कोरोना को हरा देंगे, और हराने का एक ही तरीका है संक्रमण को रोकना। संक्रमण को रोकने का एक ही तरीका है, अपने घर में कैद रहना अपने आप को, और कहीं भी जरूरी काम से आपातकालीन स्थिति में जाना भी पड़े, अकेले जाए और सब्जी लेना हो या कुछ हो, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जाए, चुपचाप घर में आ जाए, बिना काम के तो घर से निकले ही नहीं, और मोटरसाइकिल तो किसी भी परिस्थिति में ना निकालें, और विशेष परिस्थिति में निकालना पड़े तो एक मोटरसाइकिल दो आदमी तो हरगिज नहीं चलेगा। पुलिस के लोग ध्यान दे, एक मोटरसाइकिल पर दो आदमी को नहीं चलने देना, और लाइसेंसी हथियार भी किसी के पास हो तो लाइसेंसी हथियार लेकर के बाद नहीं चलने देना। हम लोगों ने चेक किया है, अभी तो 60,000 से अधिक वाहनों को जब्त किया, करोड़ों रुपए हम लोगों ने फाइन किए, और जो लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे 450 से अधिक लोगों को मुकदमे हुए। तो ये अनुशासन का परिचय देने का समय है, अपने धैर्य का परिचय देने का समय है, तभी हम बिहार को बचा पाएंगे। और पुलिस के लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं, हमारे सिपाही, हमारे दरोगा, हमारे इंस्पेक्टर, सारे पदाधिकारी, मैं सबको सलाम प्रणाम करता हूं, अपनी जान हथेली पर लग करके लेकर के बिहार की 12 करोड़ जनता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी हमारा आदमी पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रोड पर नहीं जाएगा। जहां रहे वर्दी में रहे ताकि आपकी पहचान बनी रहे, सादे में कोई भी नहीं घूमेंगे, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो आप वर्दी में रहें और अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि आप जब बचे रहेंगे तभी ये बिहार बचा रहेगा, आप ही के ऊपर पूरा बिहार खड़ा है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, और गांव के लोग गांव बचाएं, शहर के लोग शहर बचाएं। गांव में कोई भी आदमी हो,
उसका स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उसका परामर्श दे जो बाहर से आया हो, उसी तरह शहर के लोगों को भी। लेकिन कानून को ही अपने हाथ में न ले, कोई देने लायक सूचना है तो स्थानीय लोकल प्रशासन को दे, प्रशासन कार्रवाई करेगा। कोई आदमी किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई आदमी किसी तरह का जातीय या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। ये बात बहुत जरूरी है। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा तमाम अपने बिहार के भाइयों से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, विशेषकर हर तबके के तमाम नौजवानों से, ये कठिन परीक्षा का समय है, हमें अपनी एकता का, अपने संयम का, अपने धैर्य का, अपने अनुशासन का परिचय देना है और संक्रमण से बचना है, बिहार को बचाना है। और हम अगर बाहर से आए हैं तो एकदम अपनी स्क्रीनिंग खुद कराएंगे, खुद प्रशासन को बताएंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे प्रशासन को सुविधा हो। और पुलिस वालों की इज्जत के लिए, बहुत तनाव में काम कर रहे हैं हमारे सिपाही और हमारे अधिकारी, बहुत तनाव में काम कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़कर बिना किसी सुरक्षा कवच के आपके लिए खड़े रहते हैं रोड पर। उनके साथ किसी तरह का विवाद न करें, उनकी स्थिति को, उनकी मजबूरी को, उनके मानसिक तनाव को समझें। आपके लिए वो आप पर थोड़ी नजर रखते हैं और कि आप सुरक्षित रहें। अगर उनसे थोड़ी गलती भी कहीं हो जाए तो उसको नजरअंदाज कर देना ही आज के माहौल में उचित होगा। बड़ी गलती तो हम भी माफ नहीं करते। तो बिहार पुलिस बिहार वासियों के नाम, बिहार के आवाम के काम, हम 24 घंटा आपकी सेवा में, आप हमारा सहयोग करें ही आपसे अपेक्षा है। कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे समाज में तनाव, घृणा, नफरत फैले और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।